हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 18 मई 2023 को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका है। इसका आंसर ऑप्शन 1 कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। इसका आंसर ऑप्शन 3 सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्य ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 स्कंदनरोधी एंटी कोएगुलेंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन 2 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। पहला गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा सरसों, चौथा जौ। इसका आंसर ऑप्शन 2 चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि अवसंरचना विकास के लिए नगर निगम के राजस्व और का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन स्ट्रेटनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत किसने की है। इसका आंसर ऑप्शन 4 दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। इसका आंसर ऑप्शन 3 नवरात्रि। अगला क्वेश्चन है, एंड देन वन डे अ मेमोर, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन 3 नसरुद्दीन शाह। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है। इसका आंसर ऑप्शन 2 74%। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा को डैश नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन है, सोहम घेंगा गोइटर रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है। इसका आंसर ऑप्शन 4 आयोडीन की कमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी कम होगी। दूसरा, संवर्धित चल नीति अनुपात स्टैच्युरी लिक्विडिटी रेशियो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही अधिक होंगी। तीसरा, बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएंगी। चौथा, नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। इसका आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन 1 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। इसका आंसर ऑप्शन 1 हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसका आंसर ऑप्शन 3 नेंदु चोलियन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है। इसका आंसर ऑप्शन 1 राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है। इसका आंसर ऑप्शन 1 ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर ऑप्शन 1 राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसका आंसर ऑप्शन 3 अमेजॉन। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन 3 1791। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। इसका आंसर ऑप्शन 4 भीलगंगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है। इसका आंसर ऑप्शन 2 बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ डैश है। इसका आंसर ऑप्शन 3 टोटल फर्टिलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। इसका आंसर ऑप्शन 1 शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों की विशेषता क्या है। इसका आंसर ऑप्शन 3 समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है। इसका आंसर ऑप्शन 2 व्यावसायिक कमर्शियल सरोगेसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन 3 गुरु बिपिन सिंह। अगला क्वेश्चन है, धनगर नृत्य डैश के धनगर समुदाय से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन 4 गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है। इसका आंसर ऑप्शन 1 आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन फोर अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री मराठा और अफगान। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन वन बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री छः। अगला क्वेश्चन है, किसने के पंजाब में भगवान के निरंकार निराकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री बाबा दयाल दास। अगला क्वेश्चन है, भुगतान विजन 2025 पेमेंट विजन 2025 नाम की एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है। इसका आंसर ऑप्शन वन भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन फोर कोशिकाएं सेल्स। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म्स की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन वन निवेश। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन फोर निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष डैश तक स्थायी आर्थिक विकास सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है। इसका आंसर ऑप्शन वन 2045। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार UN रिफ्यूजी प्राइज पाने वाली एंजेला मर्कल डैश है। इसका आंसर ऑप्शन फोर पूर्व जर्मन चांसलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सारंगी वादक है। इसका आंसर ऑप्शन वन उस्ताद शकुर खान। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होती है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका आंसर ऑप्शन टू छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हौज सुल्तानी का निर्माण डैश ने करवाया था। इसका आंसर ऑप्शन थ्री इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। इसका आंसर ऑप्शन टू चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय डैश होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी डैश होती है। इसका आंसर ऑप्शन फोर रिक्तिका रिक्तिकाए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका आंसर ऑप्शन टू अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 1540 में कन्नौज में युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन टू हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने 1898 में डैश में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जहाँ हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों पढ़ाए जाते थे। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री बनारस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। इसका आंसर है ऑप्शन टू विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर ऑप्शन फोर कोएलिशन। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन वन 32। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन वन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन डैश में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। इसका आंसर ऑप्शन फोर 1192। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक डैश को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन टू चीन। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ दिस आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। इसका आंसर ऑप्शन थ्री बोरोइंग एंड लोन रिकवरी। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन टू उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ डैश। इसका आंसर ऑप्शन वन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माय वे डैश की आत्मकथा है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले डैश सदस्य होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन थ्री 12। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था। इसका आंसर है ऑप्शन फोर 2014। अगला क्वेश्चन है,
किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 4 सितारा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 पर आधारित अनुच्छेद है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 आपातकालीन प्रावधानों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एस? इसका आंसर है ऑप्शन 1 वेदरिंग। अगला क्वेश्चन है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम डैश? इसका आंसर ऑप्शन 1 क्वीन एलिजाबेथ 1। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिन का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 100। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है? इसका आंसर ऑप्शन ड्रिप तंत्र ड्रिप सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।